निराश मत हो लखेंद्र कि तुम मेरे मित्र साहा से नहीं मिल पाए। दो सप्ताह में मैं स्वयं जाकर साहा से मिलूंगा। चंद्रधर रुकने वाला नहीं है, अब अवश्य वो स्वयं आएगा। कितना सुखद था वो आभास। संभव है पंडित जी की बात से पुत्री बिहुला के मन में एक अन्य भाव ही जागृत हो रहा है। क्या हुआ पुत्र, इस मुस्कुराहट का रहस्य क्या है? अपनी माता को नहीं बताओगे? बैठे बैठे अचानक लजा क्यों गई पुत्री? अपनी माँ को नहीं बताओगी? माँ, आज वहां मेरी दृष्टि एक युवती पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते हो, जैसे हम पहले मिले हों। इस जन्म में नहीं तो पहले के जीवन में, जैसे हमारा कोई अटूट संबंध जन्म जन्मांतर का, पूर्व जन्मों का। नहीं पुत्री, अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। कोई अपरिचित अपना कैसे हो सकता है? जितनी सुंदर वो स्वयं थी, उतना ही सुंदर उसका नाम था माँ। अच्छा, तो तुमने नाम भी पता कर लिया? हाँ माँ, उसकी सहेली ने उसे पुकारा था ना। बिहुला, बिहुला, बिहुला। तुम भी हमारी सुंदर कोमल पुत्री बिहुला को देख लो। तुम्हारा समधी बनना चाहूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि महानतम शिव भक्ति मेरी संतान का संबंध होगा। देखा दीदी, नियति तो अपना कार्य स्वयं कर रही है। स्वामी, आज लखिंदा ने बिहुला को देखा, लगता है नियति भी उनकी भेंट शीघ्र करवाना चाहती है। किंतु स्वामी, हमें भविष्य का संकेत मिल चुका है। हम ऐसा कर कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं ना? स्वामी, बिहुला ने आज चंद्रधर के पुत्र को देखा, दो बार उनका मार्ग भी एक हुआ। नियति उन दोनों को स्वयं एक साथ ला रही है। उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं? नियति जब यही चाहती है तो अवश्य इसमें प्रभु इच्छा है, तो भूल कैसी प्रिय? नियति तो माता ही जानती है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं एक पिता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री सदा प्रसन्न रहे, सुखी रहे। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं वो सर्वथा उचित है। बस दो सप्ताह की तो बात है, उसके बाद मैं स्वयं जाऊंगा पुत्र लखेंद्र का विवाह प्रस्ताव लेकर। दो सप्ताह में वो फिर आएंगे, तो बस उतना ही समय शेष है। शीघ्र ही पंडित जी से बात कर बिहुला का विवाह तय करवा दूंगा। इस विवाह में कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा मैं। लखेंद्र और बिहुला का विवाह अवश्य होगा, शीघ्र होगा और आनंदमय होगा। मात्र दो सप्ताह में कोई योग्य वर ढूंढकर पुत्री बिहुला का विवाह करवा दूंगा। किंतु चंद्रधर के पुत्र से उसका विवाह कदापि नहीं होने दूंगा।
ये कोई चिंता का विषय नहीं है दीदी, वो जो चाहे कर ले। किंतु मैं भी तो हूँ विघ्नहर्ता, शुभ कार्य में विघ्न नहीं रहने दूंगा। माता पिताश्री के आशीर्वाद से सबके विघ्नहर्ता हूँ मैं, तो क्या आपके लिए लखिंदर और बिहुला के विवाह के सभी विघ्नों को नहीं हरूंगा? आपके देवी पद की प्राप्ति के लिए ये विवाह होना अति आवश्यक है, इसलिए मैं ये निश्चित करूंगा कि ये विवाह अवश्य हो। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है विघ्नहर्ता गणेश, किंतु जो परिस्थिति है उसमें ये कैसे संभव है? एक ओर चंद्रधर अगले ही पक्ष में विवाह प्रस्ताव लेकर जाएगा और वहीं दूसरी ओर साह अपनी पुत्री का विवाह शीघ्र कराना चाहता है। एक वर है मेरी दृष्टि में, गांव के बड़े साहूकार का पुत्र है, थोड़े अंधविश्वासी हैं, किंतु अन्य कोई दोष नहीं। उपाय ढूंढो तो जटिल से जटिल समस्या भी सुलझ जाती है। दीदी आपको स्मरण है ना पंडित जी ने क्या कहा था? नगर सेठ में एक दोष है। स्वामी वर पक्ष में एक दोष है अंधविश्वास का, कहीं उनसे संबंध स्वीकार कर हम कोई भूल तो नहीं कर रहे? पंडित जी ने इतने गुण गिनाए उनके, भले लोग हैं, समृद्ध हैं, वर अच्छा व्यवसायी है, किंतु एक छोटे से दोष ने माँ के मन को विचलित कर दिया। अंधविश्वास सभी में होते हैं, हम में भी है। हम भी तो शुभ अशुभ का विचार करते रहते हैं। अब मुस्कुराइए, इस संबंध को स्वीकार कीजिए। पंडित जी से कहकर कल ही वर पक्ष को बुला लेता हूँ। माँ पिताजी इतने प्रसन्न क्यों हैं और वो इस क्षण कहाँ गए? क्योंकि प्रसन्नता की बात है, आओ। पुत्री के माता पिता का एक ही सपना होता है, उनकी पुत्री का विवाह उचित समय पर योग्य वर से हो। हम तुम्हारे विवाह की तैयारी कर रहे हैं। आशा है कि तुम प्रसन्न होगी। माता पिता का निर्णय तो संतान के लिए आशीर्वाद है और मुझे तो देवी माँ का आशीष भी प्राप्त है। वो मेरे साथ कभी कुछ अनुचित होने ही नहीं देंगी। माँ आपको याद है मैंने बताया था कैसे वो वृक्ष गिर रहा था उस दिन, और देवी माँ ने अपने एक रूप में आकर मेरी रक्षा की, मेरी सहायता की। देवी माँ मुझे कभी कोई हानि पहुँचने ही नहीं देंगी। देवी माँ मुझे कभी कोई हानि पहुँचने ही नहीं देंगी। अनुज अनजाने में ही सही, किंतु बेहुला को मुझ पर विश्वास है और मैं वो विश्वास कदापि नहीं तोड़ सकती और ना ही उसकी कोई हानि होने दे सकती हूँ। विश्वास रखिए दीदी, किसी का कोई अनिष्ट नहीं होगा। हाँ किंतु मुझे किसी की सहायता चाहिए होगी। किसकी? मेरे वाहन, मेरे मूषक जी की। मूषक आपसे दूर कहाँ है प्रभु, वो तो सदा आपकी सेवा में प्रस्तुत रहता है। तो तैयार हो जाइए मूषक जी, दो कार्य करने हैं हमें, नगर सेठ को साहा के घर पहुंचने से रोकने का और साहा एवं उनके परिवार को लखिंदर और बिहुला के विवाह के लिए मनाने का। और दीदी एक कार्य आपको भी करना है। कैसा कार्य अनुज? जब भी चंद्रधर और उनकी पत्नी लखिंदर के विवाह की चर्चा कर रहे हो तो आपको उन्हें दर्शन देना है। ऐसा क्यों? विश्वास रखिए दीदी, इससे हमें सहायता मिलेगी। प्रिये, मैं मिष्ठान ले आया और मैंने पकवान पका लिए और घर द्वार की सज्जा सब कुछ हो चुका है, बस आंगन में रंगोली बनाना बाकी है। ध्यान रखिएगा कुछ ऐसा ना छूटे
जिससे नगर सेठ और उनके परिवार को कोई अशुभ संकेत मिल जाए। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब चिंता मत कीजिए स्वामी, सब कुछ ठीक होगा। चलिए मूषक जी। बाल ज्योतिष महाराज गजानन की मानो, अपने आने वाले कल को जानो। शुभ कार्य जो मन में है, कैसे होगा संपन्न ये जानो। भूत वर्तमान भविष्य सब पहचानो। प्रभु। मूषक जी, इन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं। अब शीघ्र इनके पास से निकलिए और विशेष कुछ कहिए जिससे इनका ध्यान हमारी ओर आ जाए। बाल ज्योतिष महाराज गजानन की मानो, भूत वर्तमान भविष्य सब पहचानो। प्रभु, ये तो मंदिर के भीतर चले गए, हमारी ओर देखा तक नहीं। मूषक जी, आपका ही किया धरा है। मैंने कहा था कि कुछ विशेष कहिए, किंतु आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। आपको इनके आगे पीछे घुमाने में इतना श्रम कर रहा हूँ मैं, मेरी प्रशंसा करना तो दूर, उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हैं आप। आज का दिन ही अच्छा नहीं है। मूषक जी, वो देखिए। चलिए अब दिन को मत कोसिए, एक और अवसर मिला है, उसका लाभ तो उठाइए। अब कुछ ऐसा कहिए जिसको वो अनसुना ही ना कर सके। बाल ज्योतिष महाराज गजानन की मानो, शुभ कार्य जो है मन में, कैसे होगा संपन्न ये जानो। पंडित जी नदी तट की ओर गए हैं, अतिथि आते ही होंगे। बाल ज्योतिष महाराज गजानन की मानो, शुभ कार्य जो है मन में, कैसे होगा संपन्न ये जानो। बाल ज्योतिष महाराज गजानन है महान, किससे होगा कैसे होगा विवाह ये लो जान। रुको पुत्री, लगता है कोई महाज्ञानी ज्योतिषी है। इनसे अपने भविष्य, अपने विवाह के बारे में जानना चाहती हो? जी पिताजी, ज्ञानी तो लग रहे हैं, किंतु पिताजी मुझे आप पर और देवी माँ पर पूरा विश्वास है। मैं देवी माँ का नाम लेकर मैं संपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। कल्याण हो बालिके। चलो पुत्री। प्रभु, इस बार तो मैंने कितना विशेष कहा, साहजी का ध्यान भी मिला, किंतु आपने कुछ किया ही नहीं, केवल आशीर्वाद दे दिया। आज का तो दिन ही अच्छा नहीं है। धीरज रखिए मूषक जी, हमारी योजना अवश्य सफल होगी। कैसे सफल होगी प्रभु, अभी तो वर पक्ष का साहजी के घर आने का समय भी हो चुका है। ठीक है मूषक जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नगर सेठ जी, निकट ही है साहजी का घर, चलिए देखते हैं।
प्रभु, ये लोग तो पहुंच भी गए। आपने कुछ सोचा कि नहीं? मूषक जी। जी प्रभु। ये लीजिए, जल ले आइए। जल कलश टूट गया, अब शकुन। मैंने कहा था ना, आज का दिन अच्छा नहीं है। अच्छा कैसे होगा मूषक जी, राहु काल जो चल रहा है, इसलिए आज कोई जजमान हमसे भविष्य जानने भी नहीं आया। सुना आपने पंडित जी, राहु काल चल रहा है, राहु काल। खुजलाना बंद करो। मैं कहाँ खुजला रहा हूँ। हाँ किंतु आप तो राहु काल से पहले ही घर से निकल चुके हैं, इसलिए आप पर कोई प्रकोप नहीं होगा। पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, ये मेरे पुत्र के विवाह का प्रश्न है। खुजलाना बंद करो। राहु काल में ना तो हम साहा जी के घर जाएंगे और ना ही अशुभ समय में कोई शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे। खुजलाना बंद करो। पुत्र चलो हम फिर आएंगे। अरे नगरसेठ जी, राहु काल में अब कुछ ही समय शेष है, तब तक चलकर रास्ते में जो माता जी का मंदिर है वहां रुककर आशीर्वाद ले लेते हैं, तो कुछ भी अशुभ नहीं रहेगा। ये उत्तम विचार है। चलिए पंडित जी, खुजलाना बंद करो। प्रभु, आपकी योजना तो पुनः विफल हो गई, ये लोग तो लौटे ही नहीं। पंडित जी कब के गए, अभी तक अतिथियों के साथ लौटे क्यों हैं? चिंता मत कीजिए स्वामी, आते ही होंगे, मार्ग में होंगे। अरे प्रिया, आते तो होंगे, किंतु उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना विलंब होने का कोई कारण नहीं। उन बाल ज्योतिषी से विचार विमर्श कर लेना चाहिए था क्या? ना साजी कुंडली दिखाने आए, ना नगर सेठ वापस लौटे, आज तो बस विफलता का ही दिन है। प्रभु, आप तो मुद्रा बनाकर निश्चिंत होकर लेटे हुए हैं। प्रभु कुछ कीजिए, राहु काल तो बस अभी समाप्ति होने वाला है, कुछ कीजिए। प्रभु प्रभु कुछ कीजिए। मूषक जी अब ऐसे खड़े मत रहिए, सामने माता का मंदिर है। जाइए और अपनी सफलता के लिए माता को प्रसाद चढ़ाइए। ये भी ठीक है, मैं अभी जाकर माता के चरणों में नारियल चढ़ाकर आता हूँ। प्रहर बीत गया, राहुकाल समाप्त हो गया, चलिए साहा जी के घर चलते हैं। हाँ हाँ चलिए पंडित जी। जय माता की, जय माता की। पंडित जी, निकलने से पहले एक बार माता का आशीर्वाद ले लेता हूँ, ताकि आगे कुछ और अशुभ ना हो। हाँ अवश्य। जय माता की। ए नारियल तो टूटता ही नहीं। जय माता की। क्या हो रहा है ये, आज का दिन ही अच्छा नहीं है। एक और अपशकुन, तो क्या ये माता का ही संकेत है? जय माता की। अपशकुन, घनघोर अपशकुन, मेरे पुत्र का इस प्रकार आहत होना
साधारण बात नहीं हो सकती। पंडित जी, मेरे विचार से आज हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अब किंतु आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। चलो पुत्र, चलो। प्रभु, सेठ जी तो लौट गए, अब साहा जी को रोकना है। उचित है मूषक जी, किंतु उसके पूर्व दीदी मनसा को अपना कार्य संपन्न करना होगा। जब भी चंद्रधर और उनकी पत्नी लखिंदर के विवाह की चर्चा कर रहे हो, तो आपको उन्हें दर्शन देना है। देवी, मैं आपकी सहायता करता हूँ। इस काट के स्थान पर मुझे पुत्र लखिंदर के गठबंधन का दृश्य दिखाई दिया। मुझे भी, क्योंकि हम दोनों के मन में उसके विवाह का विचार जो है, ये संकेत था मेरे प्रभु महादेव का कि अब इस विवाह में विलंब नहीं होना चाहिए। चंद्रधर, किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किसी व्यक्ति का प्रयास कितना सच्चा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।